21 दिसंबर 1991 जब यूएसएसआर के लीडर गौरव चौ ने यूएसएसआर के खिलाफ विरोध को देखते हुए और दुनिया के बदलते चेहरे को देखते हुए यूएसएसआर के 15 देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे उनकी राय जानी। और जब सारे देशों ने अलगाव की बात की तब गौरव चौ ने सबकी बात मान ली। 25 दिसंबर 1991 को इस्तीफा दे दिया। Я покидаю свой пост с тревогой. 26 दिसंबर 1991 जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया और टुकड़ों में बट गया। आप ये जो लाल हिस्सा देख रहे हो ये हुआ करता था यूएसएसआर जो कि अब इन रंग बिरंगे टुकड़ों में बट चुका है। तब से यूक्रेन की दोस्ती रशिया से ना होकर यूक्रेन जो है ईयू और नाटो की तरफ जाने लगा और ये था रशिया के लिए खतरा क्योंकि फिर ईयू और नेटो का एक सदस्य ठीक रशिया के बगल में आ जाता, यानी कि रशिया का दुश्मन ठीक उसके बगल में आ जाता। 2013 रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन को वार्निंग दिया और प्रेशराइज किया कि वो नाटो का मेंबर ना बने। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1949 में बनाया गया था ताकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद अब कोई भी ऐसा और देश ना हो जो कि वर्ल्ड वॉर शुरू करे। इस ट्रीटी का ऐसा रूल्स था कि अगर इस ट्रीटी में जितने भी कंट्रीज है अगर उनमें से किसी एक पर भी हमला होता है तो नाटो के सारे सदस्य ये समझेंगे कि उनके देश पर हमला हुआ है और सारे ही देश अपने आर्मी को दूसरे देशों में भेजेंगे। 30 से भी ज़्यादा देशों ने नाटो एग्रीमेंट पर साइन किया एंड अपनी आर्मीज को भी भेजी। लेकिन यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बनना चाहता था लेकिन रशियन अथॉरिटीज़ ने उसे बनने नहीं दिया और उसी समय रशिया ने क्रीमिया जो कि साउदर्न पार्ट है उसे इन्वेड कर दिया और ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में जाकर वहां पर पब्लिक को प्रवोक किया कि वो लोग प्रोटेस्ट करें कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए। ईस्टर्न पार्ट के जो लोग हैं वो लोग प्रिविलेज्ड है क्योंकि वो रशिया के इन्फ्लुएंस के अंडर आते हैं क्योंकि उन्हें रशिया हमेशा से सपोर्ट करता आया है, जैसे कि कोविड में वैक्सीन रशिया ने ही बांटे थे वहां पर। और यूक्रेन का नाटो का सदस्य बनना रशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर दुश्मन घर के बगल में ही आके रहने लगे तो घर आने में उसे कितना समय लग सकता है। अब चलते हैं 10 नवंबर 2021 को जब पहला बार ऐसा न्यूज़ आया कि जो रशियन आर्मी है उसने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है रशिया यूक्रेन बॉर्डर्स पर। 28 नवंबर 2021 तक ये कंफर्म हो गया कि करीब 1,00,000 ट्रूप्स रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर उस टाइम पर प्रेजेंट थे। दिसंबर 2021 तक यूएस को ये न्यूज मिलता है एंड यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने डायरेक्टली रशियन अथॉरिटीज को ऐसा वॉर्न किया कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो कई सारे कड़े कदम उठाए जाएंगे यूएस के द्वारा रशिया के खिलाफ। एंड यूएस के स्पेशल एजेंसीज ने ऐसा अनुमान लगाया कि 16 फरवरी वो दिन होगा जिस दिन रशिया यूक्रेन पर अटैक करेगा। लेकिन कट टू 16 फरवरी कुछ भी नहीं होता है एंड रशियन अथॉरिटीज ने यूएस का काफी मजाक बनाया कि यूएस वाले तो पागल है, कुछ भी बोलते हैं, हमारा ऐसा कुछ भी करने का कोई भी प्लान नहीं था। अगले दिन 17 फरवरी को ऐसा न्यूज आता है कि जो रशिया है वो डी एस्केलेट कर रहा है एंड अपने ट्रूप्स को वापस बुला रहा है, लेकिन ये खबर फेक निकलती है। 21 फरवरी 2022 जब पुतिन ने ऐसा लाइव आकर अनाउंसमेंट किया कि वो लोग अब एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग ड्यू जो डिसीजन है उसे अब मानने जा रहे हैं जो कि था लुहांस और डोनेट्स रिपब्लिक को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री मानने का। В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. अब आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसका नाम था मिंक्स एग्रीमेंट एंड इसमें रशिया ने भी एक्सेप्ट किया था एंड कोऑपरेट करके इसमें साइन किया था। एंड इस वाले एग्रीमेंट के हिसाब से अब क्रीमिया, लुहांस और डोनेट्स वाले एरिया में अब फाइट नहीं होगा एंड वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अभी का ये सिचुएशन है कि पुतिन ने इस एग्रीमेंट को ब्रेक करते हुए लुहांस और डोनेट्स रिपब्लिक में अपनी आर्मी भेज दी है एंड इसलिए इस वाले एक्ट को इन्वेजन कहा जा रहा है। अब क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर अभी तक नहीं है तो नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, वो लोग डायरेक्टली यूक्रेन का हेल्प नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो लोग अपने आर्मी को यूक्रेन में नहीं भेज सकते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इन कंट्रीज ने यूक्रेन का कोई हेल्प नहीं किया है, इन कंट्रीज ने यूक्रेन को वेपन्स एंड हाईटेक मशीनरीज देकर हेल्प किया है, लेकिन अपनी आर्मी को डायरेक्टली कोई भी कंट्री वहां पर नहीं भेज सकती है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रशिया ने डायरेक्टली ऐसा वार्निंग दिया है कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई और कंट्री आती है तो फिर वो लोग न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। अब यहां पर यूक्रेन में क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता दूं कि यूक्रेनियन जो लोग हैं वो लोग वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। They prepare for the worst. But these paramilitary fighters are not Ukrainian. Normal civilians को वॉर का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वेपन्स के बारे में बताया जा रहा है, एंड इन शॉर्ट यूक्रेन के जो पब्लिक है उसका पुष्पा भाव जैसा रिएक्शन है, एंड वो लोग भी डिसाइड कर लिए हैं कि वो लोग झुकेंगे नहीं। अब ऐसे में दूसरी कंट्रीज क्या कर रही है, दूसरी कंट्रीज का क्या रिएक्शन है? I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life.